प्रदेश में आवारा पशुओं की बढ़ती तादाद किसानों की न केवल फसल बर्बाद कर रही है बल्कि अब किसानों को इन आवारा पशुओं से जान का भी खतरा बना हुआ है। बता दें कि आए दिन आवारा पशु किसानों का सिर दर्द बने हुए हैं। खेतों के साथ साथ हर गली और हर मोहल्ले में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता देख फैजपुर के कई ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। दरअसल पिछले कई महीनों से आवारा पशुओं द्वारा फसलों की बर्बादी होने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जनपदों के अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने अपने जिलों में आवारा पशुओं के लिए आशियाना यानी गौशालाएं बनवाने के निर्देश दिए, जिसके बाद बागपत जिला अधिकारी ने भी कई जगहों पर गौशालाएं बनाने की तैयारी शुरू की। हालांकि अभी तक जिले में एक भी गौशाला बनकर तैयार नहीं हुई है, जिसके चलते आवारा गौवंश सड़कों और किसानों के खेतों में घुसकर लाखों को नुकसान कर रहे हैं। सब्र का बांध टूटने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एक ज्ञापन जिला अधिकारी को संबोधित कलेक्ट्रेट प्रभारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने आवार पशुओं से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। कानपति जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 12 से। समस्या बताओ। समस्या तो समस्या वो बहुत महान समस्या है गोवंश की, और इतना गोवंश हमारे पास में है, कांटे पे भी कम से कम 70-80 बैठे और सड़कों पर रात को घूमते हैं, फसल का नुकसान करते हैं। और फसल का नहीं तो एक आदमी तो भी एक हफ्ता पहले मरा मांगेराम जी, वो भी इसने गोवंश ने टक्कर मारी थी और बिजार ने, और रात में जो है एक चारपाई पर सो रहा था उसमें वहाँ टक्कर मारी, वो मेट जाकर पंडा छुट्टा, अभी जो है बहुत हालत खराब है उसकी। अच्छा, किस बात को लेके यहाँ पे जो है धरना दिया? हमारे पास दो समस्याएं गांव की, एक समस्या तो गोवंश की है जो हमारा घूम रहे, हमारे गाँव में पंचायती जमीन नहीं थी इसलिए हम गौशाला नहीं बना पाए, तो हमारे गांव के पास में सुरगुरु गांव है वहां पे गौशाला बनकर तैयार होगी, तो हमारे जो गोवंश हैं उनको वहां पूछवाई जाए। दूसरी समस्या, हमारे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन चुका, उसको चालू कराया जाए, ये हमारी मांग है, ये हमारा अधिकार भी है, मांग भी है। ज्ञापन दिया? ज्ञापन अभी देंगे। वहीं जिला पंचायत के प्रतिनिधि सदस्य वीरेंद्र तेजान ने कहा कि आवारा पशुओं से काफी हादसे हो चुके हैं, जिसके चलते कईयों की मौत भी हो चुकी है। समस्या तो समस्या वो बहुत महान समस्या है गोवंश की, और इतना गोवंश हमारे पास में है, कांटे पे भी कम से कम 70-80 बैठे और सड़कों पर रात को घूमते हैं, फसल का नुकसान करते हैं। और फसल का नहीं तो एक आदमी तो भी एक हफ्ता पहले मरा मांगेराम जी, वो भी इसने गोवंश ने टक्कर मारी थी और बिजार ने, और रात में जो है एक चारपाई पर सो रहा था उसमें वहाँ टक्कर मारी, वो मेट जाकर पंडा छुट्टा, अभी जो है बहुत हालत खराब है उसकी। तो कई बार अभी बताया है किसान यूनियन के सदस्य ने कि हमने पहले भी मांग उठा चुके हैं और अब अति हो चुकी, जितने भी यहाँ आदमी हमारे साथ में ये बहुत जोश में और खरोश के साथ यहाँ आए, और हमारी मांग है जो हम विज्ञापन दे रहे हो DM साहब के नाम दे रहे, अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम पूरे आदमी और जितना गोवंश है सीधी सी बात है कि हम कलेक्ट्रेट में बांध देंगे, जाकर यहाँ बांट देंगे बस, इसका अगर हमारी जो है इसमें कोई मांग पूरी नहीं हुई, बहुत आक्रोश है इस जनता में। ठीक। वहीं दूसरी तरफ मथुरा की महावन तहसील में इन दिनों किसान जंगली जानवरों के प्रकोप से काफी सहमे हुए हैं। बता दें कि नंदा की घड़ी, सारस और मदेम गांव में जंगली जानवरों ने तबाही मचाई है। आवारा पशुओं समेत जंगली सुअरों ने तहसील महावन के आधा दर्जन किसानों की आलू और सरसों की फसल को तहस नहस कर दिया है। इस बर्बादी से किसान काफी परेशान है, लेकिन लापरवाह अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। कार्यसिंह जी बताओ, ये क्या खेत पर क्या घटना हुई आपको? खेत पर ये घटना हुई कि आज रात हम 10 बजे के करीब खेत पर वो जंगली सुअरों को देखने आए, और जंगली सुअरों ने हमारे ऊपर हमला किया और हम यहाँ से भाग गए। फसल बर्बाद, और फसल आज रात को हमारी फिर बर्बाद कर दी। हमने हल्ला मचाया तो गाँव से कुछ लोग भाग करके आए। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? हम तो प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं, जमीन पर सुरक्षा करें और देखभाल करें, वहाँ का आदमी कोई इनक्वायरी करने भी नहीं आता है जमीन। वीर सिंह जी ये बताइए, जो आपकी फसल नष्ट की है क्या है? फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, जंगली जानवरों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? मदद चाहते हैं। क्या मदद चाहते हो? हमारी खेती की, हमारी फसल की सुरक्षा होनी चाहिए। छटकारा आवारा पशुओं से, जानवरों से। हाल ये है कि किसान को अपने खेतों पर सर्द रातों में भी फसल के बचाव के लिए पहरेदारी करनी पड़ती है। रात रात जागकर किसान खेतों में फसल की रखवाली करता है।
कुछ दिन पहले नंदा गड़ी गांव में खेत पर सो रहे किसान पर जंगली सुअरों ने हमला बोल दिया था, जिससे उस किसान की दर्दनाक मौत हो गई थी। अन्नदाता कभी सरकार, कभी प्रकृति और कभी इन अनचाही बर्बादी से त्रस्त होकर बदहाली के आंसू बहा रहा है। नारसिंह जी बताओ, ये आप खेत पर खड़े हो, क्या है मामला? मामला ये है कि हम पूरे दिन और रात रखाने पड़ते हैं बाजार को, ठीक है, और जंगली सुअर ही बहुत हो गए हैं इधर, बहुत ही तकलीफ होती है रखाने। और 5 बीघा खेत है मेरा यहाँ पे, उसमें से आधा खेत पूरा बर्बाद कर दिया है। प्रशासन की ओर से कोई भी हमको मदद नहीं मिल रही है। मतलब प्रशासन की ओर से कोई गौशाला तो खुलनी चाहिए कम से कम, और कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है सर, और 200-250 बाजार आते हैं, गाय भी नहीं है, बाजार हैं सांड, और पीछे पड़ जाते हैं। हमारे पिताजी आते हैं दिन में, मैं रखाता हूँ, रात को हमारे पिताजी रखाते हैं। कितनी फसल नुकसान होती है? हमारे 5 बीघा खेत है यहाँ पे, और भी है उधर, उधर भी है बाजार। नुकसान बहुत हो गया, नुकसान कम से कम 1 बीघा खराब हो गया उसमें से पक्का। करण सिंह जी ये बताइए, ये आपके खेत में जो नुकसान हुआ है क्या है? आलू की फसल है, आलू में 25% जानवर जो हैं नुकसान कर चुके हैं, और इसे रात में सुअर इस टाइप के जानवर हैं जो जिनसे मानव की भी क्षति होती है और हो चुकी है। हमारे यहाँ एक जवान लड़के को सुअरों ने मार दिया, लेकिन प्रशासन को कोई इसमें असर नहीं है, न प्रशासन इसमें देखभाल कर रहा है, न हमारी मदद कर रहा है। अतः हम मीडिया के द्वारा किसानों के पक्ष में, हम किसान, गरीब किसान इतनी मेहनत से फसल तैयार करते हैं और उसे जानवर जो हैं मर्जी से छुट्टा घूम रहे हैं, जनहानि का भी नुकसान हो रहा है। फसल तो बर्बाद हो ही रही है, लेकिन जनहानि भी हो रही है। प्रशासन को मीडिया के द्वारा हम ये सूचना भेजना चाहते हैं। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन इन जानवरों को कंट्रोल में करे और हमारी मदद करे, फसल को बचाए। क्या ये बताओ, रात को भी बताया जा रहा है किसी सुअर ने किसी बच्चे पर हमला किया, क्या? दो बच्चों का? हाँ, गांव में डेली आसपास के क्षेत्र में पूरे में तबाही मची हुई है, रोजाना एक दो घटना सुअरों के द्वारा हो रही है। इस मामले में किसी अधिकारी को आपने अवगत कराया? अधिकारी क्या, पुलिस पर प्रशासन रोजाना आ रहा है, 100 नंबर, और कभी इंस्पेक्टर, कभी कुछ। ये घटना हुई है जिसमें एक लड़का, जवान लड़का 40 साल के लगभग, सुअरों की उससे क्षति में खत्म हो गया। किसी लेखपाल या पटवारी या किसी, अभी तक किसी ने पैर भी नहीं रखा है यहाँ पे, आया ही नहीं। पीड़ित किसान ने स्थानीय विधायक और अधिकारियों से इस मामले में बात तो की है, लेकिन योगी सरकार के विधायक और अधिकारी अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। फिलहाल पीड़ित किसानों की प्रशासन से आवार पशुओं से फसलों की सुरक्षा के बेहतर इंतजाम के साथ साथ किसानों की आर्थिक मदद करने की गुहार लगाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक और मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।